हाय हाय। दो दिन पहले मैंने भाभी जी को मार्केट में देखा, किसी आदमी के साथ। अपने करियर की शुरुआत एक विलेन के तौर पर करने वाले अभिनेता विनोद खन्ना ने तकरीबन हर तरह के रोल निभाए हैं, चाहे वो रोमांटिक सीन हो या एक्शन सीन, डाकू का किरदार रहा हो या पुलिस इंस्पेक्टर का, वो हर जगह परफेक्ट बैठते हैं। विनोद खन्ना की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने दो शादियां की थीं। वो तीन बेटों और एक बेटी के पिता थे। आज हम आपको उनके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे ही अनोखे किस्से सुनाएंगे। विनोद खन्ना ने 1971 में गीतांजलि से शादी की थी और 1990 में उन्होंने कविता से शादी की। पहली पत्नी से उन्हें दो बेटे हुए और दूसरी पत्नी से एक बेटा और एक बेटी। एक इंटरव्यू में विनोद खन्ना ने बताया था कि वो ओशो के बेहद करीब हो गए थे, इसी की वजह से उनकी पहली शादी टूट गई थी। राजमाता विजया राजे सिंधिया के जीवन पर बनी फिल्म एक थी रानी ऐसी भी हेमा मालिनी के साथ विनोद खन्ना की आखिरी फिल्म थी। विनोद खन्ना का नाम ऐसे एक्टर्स में शुमार था जिन्होंने शुरुआत तो विलेन के किरदार से की थी लेकिन बाद में हीरो बन गए थे। विनोद खन्ना ने राजनीति में भी सफल पारी खेली थी। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।